दोस्तों व्हाट्सएप पर एक नया अपडेट आया, छोटा सा अपडेट है यहाँ पे आता है, इसको कॉल लॉग है से डिलीटेड। मतलब कि आप यहाँ पे क्यों ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वो ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो पता चल जाएगा। और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि जो आप लोग अपडेट जो भी अपडेट बताते हो वो बहुत लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग को करना क्या होगा, आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी पता चलेगा कि किस प्रकार से ये सारे ऑप्शन आपको देने को मिलेगा आपके व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये ऑप्शन क्या है और इसके बारे में आज बताने वाला हूँ पूरा डिटेल के साथ, छोटा सा एक अपडेट है। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाइए और यहाँ पे व्हाट्सअप को करना क्या होगा, अपडेट कर लेना होगा। तो ये यहाँ पे अपडेट बोल के ऑप्शन देने को मिलेगा, तो सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद ओपन कर लीजिए, ठीक है। ओपन जैसे ही करोगे तो यहाँ पे एक जो मेरा यहाँ पे प्रोफाइल मैंने ओपन कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो कॉल लॉग है जो डिलीटेड, इसमें मतलब क्या है, मतलब कि आप जो भी वीडियो कॉल होगा या कॉल होगा अगर आप चाहते हो कि वो डिलीट करना चाहते हो तो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। लेकिन आप देख पा रहे हो इस प्रकार से अगर डिलीट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देख लीजिए। एक कॉल किया था तो मैंने डिलीट कर दिया, तो लेकिन इस प्रकार से नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे हो कुछ इस टाइप से तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये क्यों देखने को मिल रहा है, जैसे आपने कोई भी कॉल करते या वीडियो कॉल करते यहाँ पे उसका पेज पे जाके आप जैसे स्क्रॉल करते हो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो फिंगर लगाने के बाद ऑटोमेटिक जो वीडियो कॉल लग जाता है, ऑटोमेटिक मतलब कि गलती से हो जाए या किसी भी रीज़न की वजह से इस पर कॉल करते हो ना स्क्रॉल करते हो तो वीडियो कॉल पे लग जाता है या कॉल किया हो तो लग जाता है। लेकिन आपको करना क्या होगा, ऐसे ही अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले इस पॉकेट से आप डिलीट कर सको। इस पॉकेट से डिलीट करने के लिए आपको करना क्या होगा, अपने कॉल लॉग पे आना होगा जिसके साथ आपने बात किया हो, जैसे कि उस कॉल लॉग को मैं डिलीट करना, तो इस पॉकेट से आप सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी वो कॉल लॉग है उसे आप इस पॉकेट से डिलीट कर दीजिए। अब देखिए मैंने डिलीट कर दिया, अब दो ही कॉल बचा है। अब उसी पेज पर मैं जैसे ही जाऊँगा उसी प्रोफाइल पर जाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते वो कॉल लॉग जो यहाँ पर शो कर रहे थे वो यहाँ पे डिलीट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा क्या होगा, दोबारा अपने फिंगर लगने के बाद ऑटोमेटिक टच होने के बाद ऑटोमेटिक कॉल नहीं। तो इस प्रकार से इस अपडेट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।